जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। शस्त्र देश का पालन करो, पालन करो, पालन करो। शस्त्र देश का पालन करो, पालन करो, पालन करो। जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है। जय जोहार का नारा है, भारत देश हमारा है। किसी से भीख मांगते हम अपना अधिकार मांगते, किसी से भीख मांगते हम अपना अधिकार मांगते। दुनिया समाज जिंदाबाद जिंदाबाद। एबी न्यूज की टीम इस समय गोरखपुर के कलेक्ट्रेट में ऑफिस में है, जहां पे आप देख सकते हैं हमारे पीछे ये धुरिया गुंड समाज के लोग हैं। दुखद है ये कि सीएम सिटी गोरखपुर में आज विगत 3 महीने से लगभग 90 दिन से ऊपर हो गए हैं, यहां धरने में बैठे हुए हैं, लेकिन कोई भी जिम्मेदार व्यक्ति अभी तक इनसे आकर के इनका हालचाल नहीं पूछा, ये भी जानने की कोशिश नहीं किया गया कि आखिर ये किस लिए बैठे हुए हैं, क्या इनकी मांगे हैं। इस समाज का जो नेतृत्व कर रहे हैं सतीश जी हैं, आइए हम इनसे जानेंगे सर क्या मामला है और किस लिए यहाँ पे बैठे हुए आप लोग। हेलो सर, आप लोगों को धन्यवाद अपनी आवाज़ को आपने बोल दिया। हम लोग 23 अक्टूबर 2020 का जो इस सरकार में शासनादेश जारी हुआ है उस शासनादेश को पालन कराने के लिए यहाँ पे बहुत संघर्ष हो। बड़े शर्म की बात है, इसी सरकार में एक शासनादेश आता है 23 अक्टूबर को, तो उसका अनुपालन जिलाधिकारी इसी सरकार का जो जिलाधिकारी महोदय प्रशासन जिलाधिकारी महोदय शासनादेश का पालन नहीं करते। संक्षेप में मैं बताना चाहूँगा कि धुरिया गुंड समाज को 2002 में राजपत्र द्वारा ST में कर दिया गया है कि ST की मान्यता दे देगी, जनजाति का मान्यता दे दिया गया है। आज 20 साल हो गए कि धुरिया गुंड जनजाति में शामिल है, लेकिन आज तक 20 साल से कोई भी प्रशासनिक अधिकारी यहाँ गोरखपुर का अभी तक उस संज्ञान में नहीं ले रहा है। आखिर इसकी क्या वजह अड़चन क्या है जिसकी वजह से ये लोग कुछ भी आपको पूछताछ नहीं कर सकते। इसमें क्या है कि हम लोग क्या है कि गरीबी के कारण हम लोग पेशेगत कहारी पेशा किए, जो भाड़ बचाया और बर्तन माजा ये पेशा किया गरीबी का। लेकिन बाकी की ये बात है कि हम लोग की जो रोटी पेटी का संबंध होता है जिससे कि किसी समाज का निर्धारण होता है वो हम लोग धुरिया समाज में करते हैं। हम लोग की शादी, चाचा की शादी, चाचा की शादी, हमारे बाबा की शादी, मामा की शादी, दादी की शादी हमारी धुरिया समाज में हुआ, हमारी बहन चाहे धुरिया समाज में हुआ। तो लेकिन उसी चीज के लिए शासनादेश 23 अक्टूबर आता है जिसमें लिखा हुआ है अगर इनके अभिलेखों में कहार भी लिखा हुआ है तो उसको साक्ष सरकारी साक्ष न माने बल्कि इनके ही लोगों से यानी कि धुरिया गुंड समाज के लोगों से ये जरूर पूछा जाए कि ये किस समाज के हैं। अगर जो धुरिया प्रमाणित होते हैं, गुड़ प्रमाणित होते हैं, तो उनको जनजाति का प्रमाण पत्र दिया जाए। कब तक अभी आप आंदोलन जारी रखते हैं? सर हम लोग का तो सुनिए, जब तक हम लोग सर्टिफिकेट बन नहीं जाता, 9 मई 2020 से हम लोग बैठे हुए हैं, आज 3 महीने पूरे हो गए, 3 महीने हम लोग संघर्ष कर रहे हैं और जब तक ये संघर्ष तब तक चलता रहेगा जब तक ये हम लोग का सर्टिफिकेट बना के निर्गत नहीं कर दे रहे, क्योंकि हम लोग कोई असंवैधानिक बात नहीं कर रहे, हम लोग इसी सरकार की बात कर रहे हैं क्योंकि इसी सरकार में संघर्ष जारी हुआ था, उसी को हम लोग कंप्लायंस कराने के लिए यहाँ संघर्ष कर रहे हैं। और आज विश्व आदिवासी दिवस है जो पूरे विश्व में मनाया जाता है, मूल निवासी आदिवासी दिवस, उसको हम लोग बड़ी धूमधाम से मना रहे हैं और आगे भी हम लोग मनाते रहेंगे। 18 सितंबर को शंकरसा रघुनाथा का बलिदान दिवस है जिसमें शंकरसा रघुनाथा से परपोता यानी कि इनके वंशज खुद गोरखपुर में चल के आ रहे हैं, उनके स्वागत के लिए हम लोग विशाल जनसभा आयोजन किया जाएगा जिसमें कम से कम 10,000-20,000 की संख्या गोरखपुर में 28 प्रमुख को रहेगी। आप लोगों को धन्यवाद। अन्य भी कुछ लोग हैं इनके साथ में, हम जानना चाहेंगे कुछ कहेंगे आप इस संदर्भ जी। मैं सीताराम गुंड उस लंकेश गुंड क्रमिक अनशन जो चल रहा है इसमें हम लोग का जो है भरपूर समर्थन है और मैं आपके चैनल के माध्यम से इस गूंगी बहरी और निकम्मी सरकार को संदेश देना चाहता हूँ कि जो समाज जिस समाज के नाम से ये पूरा गुंडवाना भूभाग था उसी गुंडवाना भूभाग में भारत देश है, उत्तर प्रदेश है, गोरखपुर जिला है, लेकिन इस जिले का अधिकारी कहता है गुंड नहीं था, जबकि इनकी शिक्षा दीक्षा जहाँ भी पढ़े होंगे तो गुंडवाना भूभाग के बारे में इनकी जानकारी होगी। यदि गुंडवाना भूभाग है तो एक एक इंच पर हमारा गुंड समाज है और हमारा अस्तित्व है, लेकिन इन गूंगी बहरी सरकार ने मेरे अस्तित्व को मिटा देने का भरपूर कोशिश कर रही है, एक तरीके से यह नौटंकी कर रही है कि हमने जनजाति को राष्ट्रपति बना दिया। ठीक है, हम आपका स्वागत करते हैं, जनजाति को आपने राष्ट्रपति बना दिया लेकिन जनजाति का अधिकार कब देंगे आप? ये सवाल है मेरा सरकार से और आपके चैनल के माध्यम से। यह जनजाति समाज गोरखपुर का गोंड धुरिया समाज अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ रहा है, अपनी पहचान की लड़ाई लड़ रहा है और ये गूंगी बहरी सरकार मेरी पहचान को मिटाने में लगी है। अरे जो मिझे मिटाने वाले मिट गए कितने, डच, यहूदी, फ्रांसीसी, अंग्रेज, मुगल सब चले गए, ये निकम्मी और बहरी सरकार भी चली जाएगी यहाँ से। मैं जिंदा रहूंगा, मेरा समाज जिंदा रहेगा।
जिंदाबाद। हम अपना अधिकार लेकर रहेंगे, इसके लिए चाहे मुझे कोई भी कुर्बानी देनी पड़े। ये सगा समाज के बीच, ये बंधन तर, ये प्रकृति शक्ति के साथ मैं निवेदन करता हूँ, मुझे मेरा समाज जितनी भी कुर्बानी देगी देनी पड़ेगी, इस मूंगी भरी सरकार को नींद से जगा के रहूंगा। इसके लिए आपको चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद। सेवा जोहार। ये रहे हमारे साथ धुरिया गोंड समाज के लोग। कहीं ना कहीं जिस स्तर से भी लापरवाही हो, जहां से भी कमियां खामियां रही हो, मैं चैनल के माध्यम से चाहूंगा कि सरकार इसका संज्ञान लेकर के ठोस कार्रवाई करे, ताकि यह जो समाज आज विगत 90 दिनों से धरने पर बैठने को विवश है, वो यहाँ से उठ जाए।